हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की पहली वीडियो आने जा रही है। और अगर बात करें इस वीडियो में, तो हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है ग्रेनिटो, एशियन ग्रेनिटो। काम क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे है, इसका क्या टारगेट नजर आ रहा है, क्या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इस तरीके की बातें हम इससे टेक्निकल्स इसके देख के हम बात करेंगे। तो आइए बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। कल की डेट में यहाँ पर आपको काफी सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई थी, यहाँ पर इन वीडियो को जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, इन प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और जब आप एक एक करके इन वीडियो को देखेंगे, ओके, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन स्टडी। अगर बात करें, स्टडी मेन है और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ भी पोजीशन लीजिएगा। तो आइए एक एक करके यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके कुछ फैक्ट चेक करते हैं। अगर बात करें एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, तो आज के दिन में देखे तो 3.79% पे ये बंद हुआ है। बट अगर बात करें तो ऊपर, अगर आज की डेट में लगभग 5% से भी ज्यादा ये बढ़ता हुआ नजर आया था। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखे, 5 डेज का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लैट जोन, फिर उसके बाद अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। 1 मंथ का अगर हम चार्ट पैटर्न देखे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तक गया था, फिर इसके बाद नीचे आया। और 6 मंथ का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पर लगभग ऑल टाइम हाई लगभग 314 रुपए से ये करेक्ट होता हुआ नजर आया है। ईयर टिल डेट में आप देख सकते हैं, सेम 1 ईयर में देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ जाके नीचे। और अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आपके सामने है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले भागता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद गिरावट भी हुई और वॉलेटाइल भी है शेयर। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी को भी देखना है आपको, कि ये शेयर ऐसा शेयर नहीं है। और इसमें जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग पर्पज, इसलिए हम 1 से 2 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं, बट नॉट फॉर द लाइक जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, हम उसे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हैं, बट इन स्टॉक्स में हम लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल सकते। इनमें हम स्विंग ट्रेडिंग करते रहना पड़ चाहिए, और इन शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करके बात अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी करती क्या है, तो देखिए एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर ये टाइल्स से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। आपको पता है घरों में, ऑफिस में यहाँ पर ये टाइल्स वगैरह लगती हुई नजर आती है, जो कि अगर बात करें हमारे घर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, और जैसे जैसे लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं या फिर आगे बनेंगे, क्योंकि इंडिया एक जैसा तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये और जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इंडियंस की बात करें, तो हम यहाँ सबसे ज्यादा पैसा या तो शादी में खर्च करते हुए नजर आते हैं या घर में खर्च करते हुए नजर आते हैं। तो घरों को यहाँ पर और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग चीजें करते रहते हैं, और अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेबल भी होती है। बात करें कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एज वेल एज फ्लोर टाइल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इसके टाइप्स है। वॉल टाइल्स में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, डिजिटल वॉल, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, HD पॉलिश, प्रोसीलेन, और एज वेल एज डोर आउटडोर पार्किंग टाइल्स में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, और अगर ऑफिस का स्पेस होता है उसमें भी ये कंपनी, मतलब जो मार्बल्स वगैरह उसमें यूज होते हैं, उसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज अगर बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी मार्बल्स के अलावा बाथ वेयर जो होते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं सैनिटरी वेयर, ओके, इसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और फॉसेट से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जैसे जैसे आगे, जैसे हमारे मोदी साहब या हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए रेडी हो रही है, और बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पे ऑल अराउंड इंडिया बनाया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाथवेयर से लेके टाइल से लेके, ओके, यहाँ पर जितने भी ये टैप्स वगैरह है, इन सब में कंपनी काम कर, यहाँ पर इनकी बिक्री होती हुई नजर आएगी। और इनमें अगर बात की जाए, तो एशियन जो ये एशियन ग्रेनिटो है, ये नंबर 1 पे आता है, ओके, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स यूज किए भी जाएंगे, और ये प्रोडक्ट्स आपको बेहतरीन, ये जो शेयर है पर्टिकुलर, ये आपको अच्छा खासा
पैसा कमा के भी देता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में अगर बात करें तो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश इन 2000 में एक कंपनी आई थी, हैज इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग सेरेमिक कंपनी इंडिया, मतलब लीडिंग है ये अगर बात की जाए इंडिया में। ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 decades इट हैज बिल्ड अ डिस्टिंक्टिव रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ इन इंडिया एज वेल एज इन ग्लोबल मार्केट, मतलब इंडिया में ही नहीं भारत भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इस चीज को आपको देखना होगा, तो इस चीज को आपके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की सॉरी तो ये देखिए मार्केट कैपिटल 611 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। डेट इक्विटी की बात की जाए तो केवल 42% का ही यहाँ पर डेट नजर आता है और बुक वैल्यू कितनी है 184 और उसी के आसपास अगर बात करें शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 202 है और यहाँ पर अगर बात करें प्राइसिंग परसेंटेज, यहाँ पर प्राइसिंग परसेंटेज है 12.2% की, बट कोई परेशानी नहीं है इस चीज से। अगर हम बात करें और भी चीजों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली सेल्स, तो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूटी यहाँ पर अच्छी खासी थी। यहाँ पर बीच में पेंडेमिक आ गया, उस वजह से यहाँ पर गिरावट हो देखी गई, बट उसके बाद से दोबारा यहाँ पर फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये शेयर बढ़ते हुए नजर आए हैं। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, रियल इस्टेट यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोडक्ट्स की बिक्री होती हुई नजर आई है। और अगर बात करें यहाँ पर हाइएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स, हाइएस्ट एवर इस क्वार्टर में हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 quarters की, और पिछले 3 quarters में ही हाइएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट नजर आया है। और बात करें ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अगर बात करें 2007 से 2021 के बीच में 169 करोड़ रुपीस के बिजनेस सेल्स को 1292 करोड़ 1300 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। तो इसकी ये भी चीज ये ग्रोथ देखनी चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि कंपनी को बिजनेस मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहाँ तो 2018 में आया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट पैंडामिक की वजह से फिर यहाँ पर अच्छा खासा दोबारा कंपनी चलनी शुरू हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी 57 करोड़ हाईएस्ट एवर आया है अभी तक। और बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की तो यहाँ पर देखिए रिजर्व्स 592 करोड़ रुपीस के अच्छे खासे रिजर्व्स है। और इसके मुकाबले अगर हम बात करें बोरिंग की तो बोरिंग एक तो घटते हुए मैनर में है जो कि काफी अच्छी बात है, और दूसरी बात की जाए तो ज्यादा बोरिंग नहीं है, मतलब कंपनी का इतना पैसा है कि इजीली इसे चुका सकती है और अपने आप को डेट फ्री कर सकती है। पर इसके अलावा बात करें फिक्स एसेट की तो कंपनी ऑब्वियसली यहाँ पर हर बार पैसा खर्च करती हुई नजर आती है, और इस वजह से यहाँ पर अभी भी देखिए तो 457 करोड़ का फिक्स एसेट है और 24 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर लगे हुए हैं। जब ये यहाँ पर ऐड होंगे तो ये फिगर फिर यहाँ पर इनके रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ऐड होता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें 46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें 19 करोड़ का कैश और ट्रेड रिसीवेबल 420 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा देखिए ऐसा कोई क्वार्टर नहीं गया, कम ज्यादा बेशक से रहा है, बट ऐसा कोई क्वार्टर नहीं गया कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो यहाँ पर इनकी बुक में ना दिखाया दिया हो। ROCE भी काफी अच्छी है 13% की। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग अगर यहाँ पर देखिए सितंबर 2020 में 33.25 थी, मतलब थोड़ी सी हिस्सेदारी जून में थोड़ी सी कम करी थी, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ाई है, फिर 34 करीब 34 से 38 के लगभग यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इस चीज को समझना कि प्रमोटर खुद चाहते हैं कि इनके शेयर इनके पास रहे क्योंकि उनका बिजनेस की पता है। FIs की बात करें, FIs ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है 1.04% की, TIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी देखिए 58% की हिस्सेदारी है, बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर इन लोगों के पास हिस्सेदारी है 1.47, 3.23, 2.20, तो यहाँ पर ये भी हिस्सेदारी है। कुछ लोगों ने यहाँ पर इस क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए नजर आया, बट कोई इशू नहीं है। बट अगर बात करें अच्छी खासी होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास भी है, ऑपरेटर्स के पास भी है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तो हम यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये इसका चार्ट है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे वॉल्यूम तो वॉल्यूम काफी बेहतरीन वॉल्यूम आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है शेयर को बस बार बार ले जाया जा रहा है यहाँ पर, ऊपर नीचे किया जा रहा है ताकि लोग निकले, उनके पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, और एक बार जब ये लोग निकल जाएंगे और ऑपरेटर्स के पास अच्छी खासी क्वांटिटी दोबारा आ जाएगी हाथ में, वो भगाते हुए शेयर को ले जाएंगे। क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर ये शेयर को ले जाते हुए दिखाई दिए वो आप समझ सकते हैं। और कितने दिन में यहाँ पर अगर बात करें ये शेयर 2016 में कितने रुपए का, 110 रुपए का चलता था, और इसे कितने दिन में यहाँ पर ले गए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मात्र अगर हम यहाँ पर देखें ज्यादा दिन नहीं, 500% का रिटर्न 688 डेज में
यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई दिए। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देके अगर हम काम करेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा पैसा बनाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर बात करें, इस बार की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर आनी शुरू हो गई है इस पहले के मुताबिक। 2018 में 2016 में सेल्स कितनी थी अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2016 की सेल, तो 2016 की सेल्स 994 करोड़ थी और आज की डेट में 1300 करोड़, लगभग लगभग आधे के बराबर, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत 30% के आसपास यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। तो ज्यादा हुई होती हुई नजर आई है। यहाँ पर दोबारा अगर शेयर यहाँ पर रुक रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। और ये शेयर दोबारा अगर 1-2 साल का वेट करते हैं तो इस लेवल तक जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें इसका हाईएस्ट, तो हाईएस्ट लेवल 618 है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा और भी चीज हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर ने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर गिरावट हुई, फिर भागता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ओके यहाँ पर से फिर दोबारा एक बार सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर गिरावट हो गई है अच्छी खासी, और फिर दोबारा यहाँ पर शेयर धीरे धीरे चलना शुरू हो गया और वॉल्यूम आना शुरू हो गया, मेन बात यह है। तो अब यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर कभी भी भागता हुआ नजर आएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर, फिर उसके बाद एक यहाँ पर हैंडल बना, और दोबारा एक शेयर अगर बात करें तो यहाँ की तरफ से भागता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर दोबारा एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ सकता है और अच्छा खासा ये शेयर भाग सकता है। तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला चार्ट पैटर्न तो ये हो गया, ओके, जिसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो कितना हमें टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे, सॉरी यहाँ पर ले लेते एक बार दोबारा से। तो यहाँ पर अगर इसकी डेट को हम देखें, तो यहाँ पर देखिए 134%, और इसे हम उठा के अगर यहाँ पर रख देते हैं, तो लगभग लगभग कितना, तो ये टारगेट नजर आ रहा है 478 रुपीज के आसपास का यहाँ पर टारगेट नजर आ रहा है, जो कि अभी करंट प्राइस से अगर देखे तो करंट प्राइस से यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, ये अभी शेयर चल रहा है यहाँ पर, तो अगर हम देखते हैं तो ये शेयर लगभग लगभग 162% का यहाँ पर गेन देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर एक और चार्ट पैटर्न की देखे, यहाँ पर ड्राइंग को रिमूव करते थे और यहाँ पर देखे कि यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न, तो देखिए दोबारा एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये छोटा चार्ट पैटर्न अगर बात करें छोटे अवधि के लिए, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कप, और इसके बाद यहाँ पर शेयर यहाँ पर दोबारा। तो अगर इसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, तो इसके हिसाब से भी अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर से अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं तो भी हमारा टारगेट काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो इसमें अलग अलग टारगेट और आगे चल के अलग अलग चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें 300 रुपए जो कि इसका रिसेंट हाई था, वो ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला टारगेट तो इसका 300 रुपए है, जो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। और जो अगर परसेंटेज वाइज गेन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, परसेंटेज वाइज गेन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना परसेंट का गेन होता है, तो ये लगभग 68% का गेन होता है। और ये 68% का गेन मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर वन शॉट में आपको ये इतना पैसा देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक साल के लिए यहाँ पर वेट कर लो, फिर दूसरे साल के लिए यहाँ वेट कर लो, तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो 2 साल में ये शेयर अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स कंपनी के काफी बेहतरीन है, कंपनी ने दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, अच्छे खासे फाइनेंशियल रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज को ध्यान में देख के आप इसकी तरफ देख सकते हैं, और ऑपरेटर जब चाहे तो यहाँ पर शेयर को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर ले गया था 2 साल में, यहीं पर ही 2 साल में दोबारा इसी लेवल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी पोजिशन लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती है। सो थैंक यू सो मच। God bless.